तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं आज हमारे पास मोटोरोला का मोटो S70 फोन आ चुका है। और जो मोटोरोला के तीन फीचर्स फोन थे उनमें से ये जो तीसरा फीचर्स फोन था वो आज हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हो मोटोरोला मोटो S70 हमारे पास आ चुका है और हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जो इनका बॉक्स था मोटोरोला मोटो A10 और A50 का सेम वैसा ही बॉक्स आपको मोटो S70 का भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं क्या क्या बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर लगे हुए रैपर को हम हटा लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसको ऊपर से निकालने के लिए हमें यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको ऊपर से निकाल लेते हैं और दोस्तों ये हमारी जो डिवाइस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें एक वही चार्जर देखने को मिल जाता है और एक बैटरी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। और बॉक्स के अंदर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, तो हम बॉक्स को एक साइड रख लेते हैं। उन्हीं डिवाइसों की तरह इस डिवाइस के अंदर भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, सिर्फ यही दो चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हम फटाफट अपनी जो डिवाइस है उसको ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमारी डिवाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको VGA कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहीं पर नीचे की बात करते हैं तो मोटोरोला का यहाँ पर लोगो आपको देखने को मिल जाता है। तो 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। वहीं पर आपको एक माइक देखने को मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट है इसका, वो आपको V8 का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिवाइस हमारी काफ़ी शानदार है और ऊपर की तरफ आपको इसमें लाइट देखने को मिल जाती है। तो बिल्कुल सी सिंपल सी डिवाइस है और रोज गोल्ड में हमें ये डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो इसके ऊपर लगे हुए रैपर को हम हटा लेते हैं और दिखाते हैं हमारी डिवाइस किस तरीके की होने वाली है। तो दोस्तों डिवाइस के अंदर आप यहां पर दो सिम लगा सकते हो। यहां पर आपकी नैनो सिम, यहां पर आपकी सिम लगेंगी। उसके बाद एक माइक्रो SD कार्ड आप यहां पर लगा सकते हो। तो दोस्तों हम इस फोन को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है और इस तरीके की डिवाइस हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी दूसरी डिवाइस परचेज करते हो, आईटेल हो गया, यहाँ पर लावा हो गया, यहाँ पर और ऐसे ब्रांड हो गए जो मार्केट के अंदर फिलहाल के टाइम में चले हुए हैं, तो दोस्तों उनका एक्सपीरियंस और इस मोटोरोला की फीचर्स फोन का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये डिवाइस काफ़ी अच्छी सी डिवाइस आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपको इन डिवाइसों को परचेज करना है तो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 1600-1700 रुपए के बीच में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगी दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।